जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने टीम को ड्रीम इलेवन में नंबर वन रैंक पे लाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों इस वीडियो में मैं काफ़ी रिसर्च करके और काफ़ी जो है मैं दिनों से खेल भी रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अपना एक्सपीरियंस और जो आपको कैसे अपनी टीम को बनानी है ताकि आपकी जो टीम है दोस्तों वो जो है नंबर वन रैंक पे आए, वो एक आइडिया आपको ज़रूर बताऊँगा। एक आइडिया जो है ना, जिस आइडिया पे ये चीज़ें वर्क करती है, जैसा कि अभी तक में देखा गया है बहुत सारे लोगों ने, भाई जो ज़्यादा समझदार बनते हैं ना ड्रीम इलेवन टीम में, जो ज़्यादा चाहते हैं कि भाई बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारी प्लेयर को जानते हैं, काफ़ी दिनों से मैच को फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी प्लेयर को बहुत अच्छे से जानते हैं, भाई ऐसे लोगों को ना मैं दावा करता हूँ, मुझे विश्वास है, मैं यकीन करता हूँ भाई इस चीज़ में, उनको ना जो भी रुपये लगाते हैं उनके उससे ज़्यादा उनको आएगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा या तो 20 रुपये या 10 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत मतलब कि 4-5 साल खेलने के बाद भी जो है ना एक आध टीम उनकी जो है 1000-2000 रुपये आ गए तो आ गए होंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस होता नहीं है, क्योंकि ड्रीम इलेवन का अपना एक अलग ही फंडा है, उनका एक अलग ही तरीका है, इसमें काफ़ी सारी जो है ना मतलब सोच है जिनके तहत अगर आप काम करेंगे भाई तभी जो है उसमें नंबर वन रैंक पे जाएंगे, नहीं तो इतना आसान नहीं है। जिन्होंने इस ऐप को बनाया है, जिनके पीछे उनके स्ट्रेटजी है, वो इतना आसान नहीं कि हर कोई जो है विनर बन जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा बिहार के काफ़ी सारे लोग जो है विन किया है, करोड़पति बना है, और दोस्तों उनसे जब इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा तो भाई उनको कोई नॉलेज नहीं थी न प्लेयर के बारे में न किसी चीज़ के बारे में, बस उनको ये था कि बस कॉन्टेस्ट जो है ज्वाइन करना आता था, थोड़ा बहुत प्लेयर वेलर जानते थे, बस उनके लाइनअप वगैरह भी अच्छे से नहीं पता था, बस थोड़ा बहुत जानते थे लेकिन प्लेयर को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, और मतलब कि तुक्के में टीम जो है समझिए कि अगर मैं जानता हूँ सब चीज़ और वो नहीं जानता है तो अब यही कह सकते हैं कि तुक्के में बहुत सारे लोगों के लगे हैं। ठीक है, और उसमें यही था कि भाई तुक्के में लगा दिया, क्योंकि अगर वो जानता तो वैसा टीम बना ही नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अगर क्रिकेट की नॉलेज होती तो जो प्लेयर को पता था कि यार ये तो खेल ही नहीं रहा कई दिन से, ये क्या खेलेंगे, तो उनको वो लेता ही नहीं, और वही मिस कर जाते हैं समझदार लोग जहाँ पर उनको नहीं लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम लोग किस तरीके का टीम बनाएँ, कैसे हम बनाएँ कि हमारा जो मतलब कि टीम है वो नंबर वन रैंक पर जाए। तो भाई देखो, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, भाई इसमें है ना कि अगर आप ये सोचेंगे कि जो मैं लगा रहा हूँ वही आप वापसी आ जाए तो कभी विन नहीं कर पाओगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आपको इसमें कई बार ऐसा भी होगा कि भाई पैसे आपके डूबेंगे और आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाई ये तरीका ही है, अगर आपको ज़्यादा समझदार होंगे, अच्छे अच्छे प्लेयर ले लेंगे तो आप जो है मतलब वही है पैसा आपका वापसी आएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि हर बार आप लोग 100, 200, 250, 150 पॉइंट से पीछे रह जाते हैं, और ड्रीम इलेवन वाले इतने चलाक है कि भाई इतना भी पीछा रहेंगे अगर 100 अंकों का 100 पॉइंट का भी अगर फर्क रहेगा तो आप नंबर वन पे नहीं रहेंगे, अब आप नीचे ही रहेंगे, आपको 10-20 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा, और लेकिन जिनका पूरे के पूरे पॉइंट है भाई वो तो नंबर वन रैंक पे जाएगा ही। तो कहने का मतलब ये है भाई कि आपको जो टीम है ना कॉम्बो बनानी है, और कॉम्बो मीन्स कि एक तो अच्छी भी प्लेयर लेनी है और दूसरी तरफ आपको ऐसे प्लेयर लेनी है जो पीछे नहीं खेला है, जो रणजी का हो, जो नए नए बंदे हो, ऐसे लोगों को आपको लेनी है, ये दोनों का जो है ना कॉम्बिनेशन बना करके टीम बनानी है। ऐसे में होगा क्या भाई, या तो आपके पैसे जाएंगे या फिर आपको ऐसी जो है मतलब कि लग जाएगा तगड़ा जो आप कहोगे कि हाँ, और इसमें ये नहीं है कि भाई एक ही दिन जो है मतलब खेलोगे एक ही दिन में नहीं आएगा, एक दो पैसा डूब जाएगा, डिमोटिवेट हो गए और आप खेलोगे ही नहीं तो फिर वो भी बेकार है, फिर तो आप मत खेलो भाई। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा वीडियो ये भी बनाने का ये मकसद नहीं है कि भाई आप जो है खेलो ही खेलो, ठीक है, मैं ये पहले आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों जो खेल रहे हैं बहुत दिन से परेशान है, मैं उनके लिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको विन करना है तो आप जो है कॉम्बिनेशन ऐसे बनाइए, एक तो अच्छे प्लेयर का और एक ऐसे ख़राब प्लेयर का जो कि दोस्तों कोई भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि IPL है भाई, IPL में कोई ऐसे नहीं चला जाता है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और वहाँ पर लक उन लोग का भी साथ देता है, क्योंकि अच्छे प्लेयर अगर नहीं खेले तो फिर वही खेलेंगे, ये
रहता है, तो आपको ऐसे टीम बनानी है। और ऐसे ही टीम अगर आप देखोगे भी जो बंदे नंबर वन रैंक पे होता है उनका ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर जो अच्छे अच्छे लोगों को ले लिया सभी ने भाई, अच्छे अच्छे लोगों को तो 60-80% लोग ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उनका यही होता है कि जितना वो पैसे लगाते हैं वो विनिंग जोन में रहते हैं, उनका पैसा वापस ही आता है। और लेकिन आप देखेंगे कि भाई उतना करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक ही लोग को विन करना है, तो टीम जो है डिफरेंट तो होना ही चाहिए। और डिफरेंट होने का जो तरीका जो मैं आपको भी बताया हूँ कि ऐसे प्लेयर का कॉम्बिनेशन बनाएं जो कि एक अच्छा भी हो और एक ख़राब भी हो, दोनों को मिला दें, ठीक है। और फिर आपको, और ओवरऑल बात तो एक भाई पूरा लक पे बात है, लेकिन मैं एक आइडिया बताया हूँ, अगर आपने देखा होगा कई सारी, आप नहीं पता आपको तो आप देखिए, बहुत सारी ड्रीम इलेवन ऐप खोलिए, उसमें जाइए, तो ऐसे लोग होते हैं भाई जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो अच्छे भी होते हैं और एक ख़राब भी होते हैं, जिनको कई लोग सोचते हैं कि ये नहीं खेलेंगे, ये क्या खेलेंगे, ये चल नहीं रहे हैं, और IPL है भाई, वो वहाँ पे कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टीम बनाना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे होंगे और यहाँ तक देख लिए हैं, तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लें, ठीक है। आपसे मिलते हैं एन अदर वीडियो में एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।